प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। हमारे चैनल पर एक हमारे प्रिय दर्शक महोदय ने ग्रामीण अंचल के प्लॉट या खेत या मैदान जहाँ पर पर्याप्त जगह होती है वहाँ पर वास्तुयुक्त नक्शा कैसे बनाएं, वास्तु के अनुसार नक्शा कैसे बनाएं, इस संबंध में वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो उनका सम्मान करते हुए हम आज यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचल में मकान बनाने के लिए पर्याप्त स्थान होता है। कोई अपने खेत में बनाते हैं या कोई खलिहान के पास बनाते हैं या उनके पास पर्याप्त जगह की बाखर होती है, यानी काफी बड़ा बाड़ा होता है जिस बाड़े में वो अपना मकान बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात स्पष्ट कर दें कि वास्तुशास्त्र के वही नियम हैं जो चाहे ग्रामीण अंचल हो और चाहे शहरी अंचल हो। वास्तु के जो 16 जोन हैं वो वही है। इसके अलावा दिशाएं हैं और किन दिशाओं में जो कार्य करना है वो भी वास्तुशास्त्र के अनुसार नियम समान है। केवल परिस्थितियों का अंतर है। हम जो है देखते हैं कि ग्रामीण अंचल में प्रायः जैसे टॉयलेट है या पानी का टैंक है, गौशाला है, ये मकान के बाहर बनाए जाते हैं। इसके अलावा किचन भी बाहर बनाते हैं क्योंकि किचन में धुआं उठता है, तो ऐसी स्थिति में वो मकान के अंदर नहीं बनाते हैं क्योंकि लकड़ियों को जला करके वो अपने खाद्यान्न का को पकाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो निर्णय है वो वास्तु के जो पुराने नियम हम पहले बता चुके हैं उसके अनुसार ही है। केवल परिस्थितियों बस यहाँ पर कुछ प्रकार से जो अंतर है, जो ग्रामीण अंचल के लिए अंतर है उसके लिए हम यहाँ पर बताते हैं। ग्रामीण अंचल में प्रायः खेत, खलिहान या बाड़े किसी भी आकार के हो सकते हैं। मान के चलिए कि इस प्रकार से उनका बाड़ा या खेत या खलिहान है जिसमें वो मकान बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मान के चलिए वो मकान यहां इतने क्षेत्र में बना रहे हैं, मकान इतने क्षेत्र में बना रहे हैं, अब इसका वास्तु क्षेत्र कौन सा माना जाए। इस संबंध में हमारे शास्त्रों में लेख मिलता है कि जो मकान की ऊंचाई होती है उस ऊंचाई के बराबर दूरी तक वास्तु क्षेत्र होता है। जैसे कि मकान की यदि इस मकान की ऊंचाई वो 12 फीट रखते हैं तो इस मकान के चारों ओर 12 फीट की दूरी तक वास्तु क्षेत्र होगा। इस संबंध में आपको किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लेख नहीं मिलेगा, लेकिन संकेत मिलता है। संकेत मिलता है कहाँ पर, जहां पर कई वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो मुख्य दरवाजे के बाहर पिलर खड़ा हो या पेड़ खड़ा हो, क्योंकि मकान की छाया जिस पर आ रही हो पेड़ की, ऐसे प्रकरण में हमें देखने में आया है कि मकान की जो ऊंचाई होती है उससे यदि दूरी पर कोई खम्भा खड़ा हो या उससे अधिक दूरी पर कोई पेड़ हो तो वास्तु दोष नहीं होता। तो नहीं होने का कारण केवल यही है कि वो मकान की ऊंचाई के अनुपात में दूरी पर है। तो इस प्रकार ये संकेत स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में मिलता है। इसी के आधार पर हमने बताया यदि मान लो 12 फीट ऊंचाई का मकान बनाना चाहते हैं तो मकान से 12 फीट की दूरी पर जो स्थान होंगे वो वास्तु क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसके बाहर के जो स्थान होंगे वो वास्तु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे, इसलिए उन पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो 2 मंजिल का मकान बनाना चाहते हैं तो 12 दूनी 24 फिट हो जाएगा और 24 फिट हो जाने पर ये जो है 12 के स्थान पर 24 फिट की दूरी तक वास्तु क्षेत्र होगा। तो पहला तो अपना बिंदु ये स्पष्ट हो गया कि हमें वास्तु क्षेत्र कहाँ तक मानना है। ये मानने के बाद में अब निर्णय करेंगे कि हमें किस क्षेत्र में क्या बनाना है और उस क्षेत्र को ज्ञान कैसे करें, किस प्रकार से हम कोण को ज्ञान करें। आइए देखते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में जब हम मकान बनाने का प्रारंभ करते हैं तो पहला पॉइंट तो आता है कि हम मकान खेत में किस तरफ बनाएं।
किस दिशा में बनाए, खेत के किस दिशा में बनाए। पहला बिंदु आता है। तो हमें मकान बनाते समय वास्तुशास्त्र के वही नियम देखना है जो लागू होते हैं कि जिन स्थानों पर हमारा ढलान यानी भूमि का ढलान उत्तर दिशा में हो या पूर्व की दिशा में हो या ईशान की दिशा में हो, ऐसे स्थान का हम चयन करें। पहला मतलब क्या है, भूमि का ढलान देखना है। पहला पॉइंट है भूमि का ढलान। भूमि का ढलान जो है यदि उत्तर में, ईशान कोण में या पूर्व में हो, ऐसा स्थान का चयन करना है। ठीक है, इसके अलावा यदि ऐसा ढलान नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो हमारा खेत या बागड़ है या बड़ा जो कोई जो भी हमारे पास स्थान है, उस स्थान के दक्षिण दिशा में मकान बनाए। जो हमारे पास पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र के दक्षिण दिशा में मकान बनाना प्रारंभ कर रहे हैं, दक्षिण दिशा में मकान। जैसे कि मान लो आपका ये खेत है, ये ऐसा खेत है या ऐसा हमारा बाड़ा है, ठीक है, तो इसमें मान लो ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो चूंकि हमारे लिए कोशिश ये करना चाहिए कि मकान हम दक्षिण दिशा में बनाए, यहां मकान बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार से हमने मकान कहां बनाना है पूरे क्षेत्र में उसका हमने ये निर्धारण दो तरीके से किया कि एक तो ढलान जहां मिल जाए हमारे लिए और दूसरा जो है कोशिश ये करें कि दक्षिण दिशा में मकान बनाए, इससे आपकी दक्षिण दिशा उस प्लॉट के हिसाब से भारी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि उन दिशाओं में जहां हम मकान बना रहे हैं उस मकान के चारों तरफ किस तरफ किचन बनाए, किस तरफ पानी की टंकी बनाए, किस तरफ गौशाला बनाए, इत्यादि इत्यादि के विचार करते हैं। मान लीजिए ये हमारा खेत है या बड़ा बाड़ा है, इस बाड़े में मान लो हम मकान यहां पर बनाते हैं, इस स्थान पर अपना मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने जो तय किया है कि हम इस स्थान मकान बनाएंगे उसका सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर इस प्रकार से दो ढाके डाल दीजिए या चार कीले या लकड़ी के कोई ऐसे लकड़ी खड़ा करके जमीन के अंदर और धागे खींच लीजिए, धागे से आपको यहाँ सेंटर पता लग जाएगा। तो ये सेंटर से देखें, सेंटर पर आप कंपास लगाएं खड़े होकर के या बैठ करके कंपास लगाएं, वहां से दिशा का निर्धारण करें कि किस तरफ कौन सी दिशा है। तो मान के चलिए कि हमारा पूरब इधर आ रहा है, यहां पर देखिए मैंने इस प्लाट को जानबूझ के थोड़ा झुकाया है इससे कि हमें स्पष्ट हो सके कि हमें दिशा के अनुसार चलना है ना कि प्लॉट के अनुसार चलना है। प्लॉट से तो हमें केवल सेंटर देखना है कि हमारा प्लॉट का सेंटर कहाँ है, इसका दिशा पूर्व यहाँ आ रही है और पूर्व दिशा यहाँ है तो पश्चिम दिशा यहाँ इसके पीछे होती है और ठीक इसके 90 अंश पर यानी कि लंबवत यहाँ दक्षिण दिशा होगी और यहाँ उत्तर दिशा होगी। ये हमारे प्लॉट के ऊपर दिशा तय हो गई जिसमें मकान बनाना है कि कौन कौन सी दिशाएं हैं। दिशाएं तय करने के बाद फिर वास्तुशास्त्र के वही पुराने नियम लागू हो जाते हैं। यहां तक के जो नियम थे वो ग्रामीण अंचल के लिए थे या ऐसी जगह के लिए थे जहां उनके पास पर्याप्त जगह है, बहुत बड़ा बाड़ा है उनका, बहुत जमीन है, उसमें से कुछ जमीन में मकान बनाना है, उनके लिए नियम यहां तक पहले लागू किए गए थे। अब जो है वही नियम लागू होंगे जो शहरी क्षेत्र में होते हैं। हम जानते हैं कि किचन हमारा अग्निकोण में होना चाहिए, तो अग्निकोण कहां पर है, पूर्व और दक्षिण के बीच में यह अग्निकोण है, तो यहां पर हम अपना रसोई घर बनाएंगे। रसोई घर, रसोई, यहां पर अपना रसोई घर बनाएंगे क्योंकि यह दक्षिण पूर्व का स्थान है। पानी का जो अंडरग्राउंड टैंक बनाना है वो यहां बनाएंगे, पानी का टैंक। हालांकि पानी का टैंक ईशान के अलावा
उत्तर में भी बना सकते हैं और पूर्व में बना सकते हैं। पूरा ये क्षेत्र पानी का है, इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अंडरग्राउंड टैंक है ना कि ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक वहां नहीं बनेगा, ओवरहेड टैंक इधर पश्चिम दिशा में बनेगा। तो ये हमारा पानी का स्थान हो गया। इसके अलावा जो गौशाला भी खोलना चाहते हैं, तो गौशाला का जो सबसे अच्छा स्थान है वो है उत्तर गौशाला, सबसे श्रेष्ठ स्थान उत्तर और या फिर पूर्व गौशाला, एक गौशाला बना सकते हैं। अब जहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक था वहीं पर कुआं या ट्यूबवेल भी खोद सकते हैं। ये संपूर्ण स्थान कुआं या ट्यूबवेल के लिए भी है। उत्तर से लेकर पूर्व तक का जो क्षेत्र है ये पानी का क्षेत्र है, और वो भी कौन से अंडरग्राउंड पानी का क्षेत्र है। तो पानी का टैंक जिसको ग्रामीण अंचल में हौदी भी बोलते हैं, और या फिर ट्यूबवेल खोदते हैं या कुआं खोदते हैं, तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है इसी का है, पानी का है। इसके अलावा रसोईघर हमारा वायव्य दिशा में बन सकता है। ये वायव्य दिशा है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा जो है ये वायव्य दिशा कहलाती है, क्योंकि वायु और अग्नि की मित्रता है। तो यहां पर भी रसोई घर बनाया जा सकता है। ये दो दिशाएं रसोई घर के लिए सबसे श्रेष्ठ है। अब आता है टॉयलेट का, तो टॉयलेट के नियम भी वही हैं जो शहरी क्षेत्रों के लिए बताए गए हैं। वो कौन से हैं कि हमारे लिए जो प्रमुख प्रमुख स्थान है दक्षिण से लगा हुआ, यानी दक्षिण और नैऋत्य के बीच का जो क्षेत्र होता है ये नैऋत्य दिशा है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की नैऋत्य दिशा है। इस नैऋत्य पे टॉयलेट नहीं बनाना है, बल्कि नैऋत्य और दक्षिण के बीच का जो स्थान है ये भृंगराज का स्थान है। इसको बोलते हैं भृंगराज। इस स्थान पर हमारे लिए टॉयलेट बनाना है, ठीक दक्षिण में नहीं बनाना है, ठीक नैऋत्य में नहीं बनाना है, बल्कि इन दोनों के बीच में जो स्थान आ रहा है वहां पर हमारे लिए टॉयलेट बनाना है। दूसरा स्थान आता है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जो टॉयलेट का स्थान है वो पश्चिम और उत्तर के बीच में जो वायव्य कोण है, इसको ध्यान दीजिए, जहां रसोईघर बना था रसोईघर के बारे में बताया गया है। तो वायव्य कोण और पश्चिम के बीच का जो स्थान है ये स्थान है असुर का स्थान, असुर असुर का स्थान। यहां पर हम जो है टॉयलेट बना सकते हैं। तो यहां पर हम टी बना देते हैं, टी टी फोर टॉयलेट, और इधर जो है यहां भी ये टी फोर टॉयलेट। तो ये जो है हमारे घर से बाहर दिशा कहाँ आ गई, यहां एक टॉयलेट हो गई, क्योंकि घर से बाहर हमारे लिए ग्रामीण अंचल में घर से बाहर ही हम टॉयलेट बनाते हैं। तो ये एक टॉयलेट का स्थान कौन सा हो गया, ये भृंगराज का हो गया ऐसी लाइन खींचने पर। और दूसरा असुर का क्या हुआ, वायव्य और पश्चिम के बीच का जो एक एंगल है ये असुर का स्थान है। तो घर के बाहर जो है यहां पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। अब इसमें ये ध्यान देना है कि रसोई घर के पास टॉयलेट कोशिश करिए ना हो, और अगर मान लो होती भी है तो दीवाल एक ना हो, दीवाल इनकी जैसे टॉयलेट बनाते हैं तो दीवाल इसकी अलग हो, फिर कोई दोष नहीं है, लेकिन दीवाल कोशिश करिए कि एक ही ना हो। इस प्रकार से आपके ग्रामीण अंचल में रसोई घर हो गया घर से बाहर अग्निकोण में या वायव्य कोण में, पानी की टंकी हो गई उत्तर से लेकर के पूरब के बीच में कहीं पर भी, ट्यूबवेल हो गया पूरब से लेकर उत्तर के बीच में, कुआ हो गया पूरब से लेकर उत्तर के बीच में, गौशाला हो गई उत्तर में सबसे श्रेष्ठ पूर्व में भी अच्छी है। इसके अलावा जो टॉयलेट का स्थान जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो भी हमारे घर के बाहर दक्षिण और नैऋत्य के बीच में हो गया, और दूसरा टॉयलेट का जो स्थान है वो वायव्य और पश्चिम के बीच में ये स्थान हो गया टॉयलेट का। इस प्रकार से तीन प्रकार के मुख्य रूप से घर से बाहर बनाते हैं। पहला हो गया रसोई घर, दूसरा हो गया वाटर टैंक मतलब पानी का स्थान, और तीसरा हो गया टॉयलेट। ये तीनों चीजें घर से बाहर हैं। चौथी है यदि मान लो कृषक हैं और ग्रामीण अंचल में निवास करते हैं, गौशाला खोलना चाहते हैं, तो गौशाला हो गया। अब आज की स्थिति में एक बात और आती है सामने कि गऊएं बहुत कम बची हैं,
बल्कि लोग घर में भैंसे ज्यादा बांध रहे हैं। तो भैंसे यदि है तो ऐसी स्थिति में भैंसों का स्थान दक्षिण में भी हो सकता है। ये जो दक्षिण है यहां पर भैंस का स्थान हो सकता है, जहां पर गौशाला लिखा है वहां भी भैंसा हो सकती है, लेकिन भैंस अकेली है तो अतिरिक्त रूप से अपन दक्षिण का स्थान भी देख सकते हैं। हमने पहले गौशाला के बारे में संपूर्ण वीडियो बनाया है, उसका भी आप अध्ययन कर लीजिए। इस प्रकार से चारों आपके मुख्य मुख्य रूप से ये स्थान हो गए। अब एक प्रश्न और आता है ग्रामीण अंचल के लिए कि वो बिठा कहाँ बनाए। बिठा मतलब होता है, कई जगह ऐसा होता है कि गेहूं वगैरह जो भी अनाज होता है उसको सुरक्षा करने के लिए वो विशेष रूप से गड्ढे बनाते हैं और उन गड्ढों में जो है गेहूं इत्यादि रखते हैं। तो गेहूं क्या है, वो रिजर्व है, यानी कि जब इमरजेंसी आती है तभी उसका हम उपयोग करते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी दिशा है रिजर्व की, वो है वायव्य दिशा। ये वायव्य दिशा जो है हमारे लिए सहायक दिशा, माने जहां से हमें दिशा सहायता मिलती है। तो ऐसा अन्न जिसको हम कहीं पर सुरक्षित रूप से रखते हैं, उसको समय आने पर हम बेचते हैं या पुनः बोने के लिए रखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, अतिरिक्त आमदनी का सोर्स बनती है, सहायक बनती है। तो इसके लिए सबसे श्रेष्ठ जगह कोई है तो वायव्य दिशा है। इसके अलावा उत्तर और पूर्व दिशाएं भी इसके लिए अच्छी कही गई हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसे प्लॉट जो ग्रामीण अंचल में हैं या ऐसे प्लॉट जो जिनकी क्षेत्र बहुत अधिक है लेकिन कुछ क्षेत्र में मकान बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार के वास्तु नियमों पालन करते हुए अपने गृह का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ ही ये समाप्त करते हैं। जय राम जी की।